Hello everyone, welcome back to my channel Learn to Know. लास्ट वीडियोस में आपको रिमेम्बर हो कि हमने एक्सप्रेस एंट्री के बारे में डिस्कस किया था कि एक्सप्रेस एंट्री में मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस और आपके एज, ये तमाम फैक्टर्स हमने डिस्कस किए थे. पॉइंट बेस्ड सिस्टम डिस्कस किया था. एक्सप्रेस एंट्री में किस तरह आपने अपने पॉइंट्स को कैलकुलेट करना है, ये डिस्कस किया था. सो एक्सप्रेस एंट्री के बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी आती है वो प्रोविंशियल नॉमिनीज आती है, यानी प्रोविंस या टेरिटरीज जो अपने अलग से प्रोग्राम्स चला रही हैं जो कि प्रोविंशियल नॉमिनी की कैटेगरीज में आते हैं, यानी कनाडा के वो प्रोविंसेस जो अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपनी क्राइटेरिया को और वर्कर्स को सिलेक्ट करते हैं. तो आज हम इस पर डिस्कस करते हैं. अब प्रोविंशियल नॉमिनी जो है वो वर्क किस तरह करता है, लाइक एक्सप्रेस एंट्री में जिस हमने डिस्कस किया था. तो इसके लिए आप प्रोविंशियल नॉमिनी इस प्रोग्राम पे आए, इसके लिंक्स जितने भी हैं मैं उसमें आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. सो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स की वर्किंग जो है वो सिमिलर एक्सप्रेस एंट्री की तरह ही होती है, यानी आपने वर्कर्स को किस तरह प्रोविंस सेलेक्ट करती हैं उसके लिए क्राइटेरिया आपके स्किल्स, एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस सिमिलर एक्सप्रेस एंट्री की तरह होता है. आपने प्रोफाइल बनाते वक्त ये मेंशन करना है कि आप उसी प्रोविंस में रहना चाहते हैं और आप परमानेंट रेजिडेंट कनाडा के फ्यूचर में बनना चाहते हैं. ये तो एक जनरलाइज चीज़ें हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है आपकी स्किल्स, एजुकेशन और आपका एक्सपीरियंस है सिमिलरली जैसे हमारे एक्सप्रेस एंट्री में वर्क करता है, इस तरह प्रोविंशियल नॉमिनीज भी हैं. पर इसमें आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह पीएनपी डिफरेंट है एक्सप्रेस एंट्री से, लेटर ऑन इस वीडियो में डिस्कस करते हैं. हर प्रोविंस अपनी कैटेगरीज डिफाइन करते हैं और सिलेक्ट करते हैं कि उन्हें कौन से स्टूडेंट्स, बिजनेस पीपल या वर्कर्स की रिक्वायरमेंट हैं. जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो किस तरह वर्क करता है, प्रोविंशियल नॉमिनीज में दो तरह से आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवा सकते हैं. एक पेपर बेस्ड प्रोसेस है और दूसरा एक्सप्रेस एंट्री है. पेपर बेस्ड जैसे नाम से इंडिकेट है कि आपने पेपर यानी एक प्रोफॉर्मा को फिल करके सेंड करना है प्रोविंस को, वहाँ से वो नॉमिनेट आपको अगर नॉमिनेशन सेंड करेंगे, उस नॉमिनेशन के बाद आपने IRCC यानी इमिग्रेशन रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा को एक प्रोफॉर्मा फिल करके और अपने आपकी नॉमिनेशन को अटैच करके सेंड करना है. लेकिन जो पेपर बेस है ये प्रोसेस जो है बहुत लेंदी है और इसमें आपकी कॉस्ट भी इंक्लूड है, आपने जो डिलीवर करना है डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ. सबसे ईजी प्रोसेस और सब इलेक्ट्रॉनिकली वो है एक्सप्रेस एंट्री प्रोसेस. एक्सप्रेस एंट्री प्रोसेस जो है वो दो तरह से आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं. पहला ये है कि आप जो प्रोविंस में आप वर्क करना चाहते हैं या टेरिटरी में उस पर्टिकुलर प्रोविंस में सिलेक्ट करना है और वहाँ पर आपने एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बनानी है. अगर वो प्रोविंस आपको नॉमिनेट कर देता है तो आपने एक्सप्रेस एंट्री में उसको मेंशन करना है कि यहाँ से मुझे नॉमिनेशन उस प्रोविंस या टेरिटरी से आ गई है. सेकंड यह हो सकता है आपने एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल एक बना ली है ऑलरेडी और उस एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में आप ये शो करोगे कि मैं इस प्रोविंस में फ्यूचर के अंदर वर्क करना चाहता हूँ. लेट सपोज आपने जो भी प्रोविंस को सिलेक्ट किया, सस्काचिवान, अल्बर्टा, व्हाटएवर, तो आप ड्यूरिंग एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाते हुए ही आप अपनी इंटेंशन को शो कर दो कि मैं इस प्रोविंस में वर्क करना चाहता हूँ. वो प्रोविंस और टेरिटरी आपकी प्रोफाइल से, आपको एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल से आपकी नॉमिनेशन को देखेगी, आपके इंटरेस्ट को, और आपको नॉमिनेशन सेंड करेगी. आपने वो नॉमिनेशन इलेक्ट्रॉनिकली ही, यानी आपने अपनी ही ID पर जो अकाउंट बनाया है वहीं पर आपने उसको एक्सेप्ट करना है. लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है, आप PNP यानी प्रोविंशियल नॉमिनी में एक्सप्रेस एंट्री या पेपर पेस दोनों के अंदर आपने क्या करना है, आपने रिक्वायरमेंट्स प्रोविंस और टेरिटरी की भी फुलफिल करनी है
और आपने एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल, जो एक्सप्रेस एंट्री की रिक्वायरमेंट थी, वो भी फुलफिल करनी है। तो एक्सप्रेस एंट्री की मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स एक्सप्रेस एंट्री के कौन कौन सी थी, ये लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किए थे, मैं फिर बता देता हूँ। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं वो वर्क एक्सपीरियंस, लैंग्वेज एबिलिटी और आपकी एजुकेशन, सिमिलर जैसे PNP में था। यानी आप अगर जनरलाइज करें कि आपका CLB 6 हो, आपको 1 ईयर मिनिमम एक्सपीरियंस हो और आपकी एजुकेशन डिपेंड करता है, आप किस NOC पे अप्लाई करते हैं, 12th तक हो आपकी एजुकेशन, या आपकी ग्रेजुएशन हो, या मास्टर्स हो, या PhD हो, तो ये रिक्वायरमेंट्स आपने फुलफ़िल करनी है। यानी जो प्रोविंशियल नॉमिनी में आपने एक्सप्रेस एंट्री के भी नॉमिनेशन रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना है, और PNP जो प्रोविंस की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, हर टेरिटरी या प्रोविंस की अपनी फर्दर रिक्वायरमेंट्स हैं, वो भी आपने फुलफ़िल करनी होंगी। देन आप एक्सप्रेस एंट्री के अंदर अपनी प्रोफाइल को आगे प्रोसेस कर सकते हैं। अब एक्सप्रेस एंट्री की जनरल रिक्वायरमेंट्स मैं बता चुका था क्या क्या हैं, आपने किस तरह कैलकुलेट करना है, किस तरह से क्वेश्चन आंसर देके अपने पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं, ये सब लास्ट 3 से 4 वीडियोज़ जो हैं वो मैं बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो वो आप मेरे चैनल पर आकर वो देख सकते हैं, उनकी भी मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूँगा। तो ये तो जनरल रिक्वायरमेंट्स हो गई प्रोविंशियल नॉमिनी की और किस तरह वर्क करता है। अब कौन कौन से प्रोविंसेस और टेरिटरीज हैं जो प्रोविंशियल नॉमिनी में आते हैं, अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया है, मैनिटोबा, न्यू ब्रंसविक, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट टेरिटरीज, नोवा स्कोटिया, ओंटारियो, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, सस्कॉचिवान एंड यूकॉन, ये तमाम वो प्रोविंस और टेरिटरीज हैं जो प्रोविंशियल नॉमिनीज के अंदर वर्क करती हैं, जिनके अपने भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। एक जो प्रोविंस क्यूबेक वो है जिसके जो प्रोविंशियल नॉमिनी में वर्क नहीं करता, यानी क्यूबेक का अपना एक प्रोग्राम है और क्यूबेक में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो फिर आपने क्यूबेक की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना है, और क्यूबेक के लिए आपने फिर एक्सप्रेस एंट्री के लिए कोई रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं करनी। ये तो थी एक जनरल वीडियो डिस्क्रिप्शन और वीडियो प्रोविंशियल नॉमिनी के बारे में। फर्दर मैं इसके बारे में बाद में डिस्कस करूँगा कि हर एक रिक्वायरमेंट्स किस तरह फुलफ़िल करनी है प्रोविंस की। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।